वालेकुम तकी फैमिली, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। गाइस मैं आपका अपना माइकल भाई वापस आ चुके हैं। तो बॉयज आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अभी तुम लोग देखोगे कि माइकल भाई अभी इस टाइम आप कहां पे हो। तो बॉयज फिलहाल मैं अपने जो है ना वन एंड ओनली ओल्ड मेंशन पे हूँ। ये मेरा पुराना मेंशन है जो तुम लोगों को याद होगा। ये देखो मतलब कि यार ये मेंशन किस किस को याद है सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में ये बताना है। बाकी इसके अलावा बॉयज अब मैं तुम लोगों को बता दूं एक नई चीज। भाई फिलहाल आपका भाई कुछ नई चीजों में बिजी है जहां पे हम अपना नया स्टूडियो बना रहे हैं। मतलब कि तुम्हें पता है GTA की वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि भाई मैं अपना एक नया गेमिंग स्टूडियो रूम बना रहा हूं, एक गेमिंग रूम बना रहा हूं जिसकी रेनोवेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। और उसके रिलेट अपडेट जो है ना तुम्हें मिलती रहेगी, डेली मिनी व्लॉग भी आएगा। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना एक टिकटॉक का अकाउंट लगाया हुआ है, वहां भी फॉलो कर लो, तुम्हें वहां अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी वीडियोस बहुत सारी बनानी है लेकिन भाई कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन आपके भाई के पास जरा थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो रहा है। और उसके अलावा ये है कि भाई पंगे बहुत सारे बने हुए हैं। सबसे पहले इधर चेक करो, कुछ तकी फैमिली के मेंबर खुश होने वाले हैं क्योंकि हमारी पुरानी प्राडो जो थी वो वापस आ चुकी है। उसके अलावा हमारा पुराना डाला भी वापस आ चुका है। और हाँ मैंने लैंड क्रूजर को दोबारा जो है ना वाइट करवा दिया है, क्योंकि बॉयज फिलहाल मैंने एक नई चीज़ सोची है कि अब हम क्या करेंगे। अब हम दो अपने स्क्वाड रखेंगे गाड़ियों के, जिसके अंदर एक हम रखेंगे ब्लैक गाड़ियों का स्क्वाड और एक रखेंगे हम वाइट गाड़ियों का स्क्वाड, ठीक है। और ये हमारी वाइट गाड़ियों का स्क्वाड है जिसका नंबर है M014। ये देखो मतलब कि ये वाला चेक करो M014। और उसके अलावा पराडो का नंबर भी हमने रखा हुआ है M014। तो भाई पुराना मेंशन तो तुम लोगों को याद होगा। अच्छा बॉयज तुम लोगों को एक और बात बताऊं, वीडियो को शेयर लाजमी किया करो और लाइक लाजमी किया करो। काइंडली एक तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई डेली वीडियो को जो है ना वो लाइक लाजमी किया करो, क्योंकि लाइक से आपकी वीडियो जो है ना वो आपके भाई की वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी, जरा समझ रहे हो। उसके अलावा गार्ड्स मैंने नए रख दिए हैं, सारे के सारे गार्ड्स ये चेक कर रहे हो। ये देखो मतलब कि भाई अपने जो है ना तकी स्क्वाड, ये देखो मतलब कि भाई माइकल के स्क्वाड जो है ना सारा नया आ गया है। और ये जो पुराना मेंशन है इसके अंदर भी हम एक और मेंशन बना रहे हैं, वो सामने तुम लोग चेक कर रहे होगे। ये पुराना एरिया तो तुम लोगों ने सारा देखा ही है। सैंडी शोज के अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स कर दिए हैं, वो भी तुम्हें बाद में दिखाता हूँ, अभी बड़े काम है। सादिक, सादिक किधर है बता रहा हूँ सादिक, सॉरी हाजी मैं बता रहा हूँ हाजी। फिलहाल जो है ना यहाँ पे सामने कैमरे शैमरे लगवाने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से साईं मुझे बुला रहे हैं। जी माइकल साईं, अबे यार एक तो साईं को जो है ना वो यकदम मेरी याद आ जाती। जी साईं हुकम, अबे किधर था सादिक। साईं मैं यहीं था साईं, वो ज़रा मैं ना डिस्कस कर रहा था कैमरों के रिलेट। साईं मैंने कहा कैमरे शैमरे साईं लगवाने ज़रूरत है, क्योंकि साईं फिलहाल जो है ना साईं हालात बड़े ख़राब हैं साईं, अभी कैमरा वगैरह ज़रूरी हो चुका है। हाँ कैमरा भी लगवा लेते हैं, टेंशन नहीं कर रहे हैं साईं। वैसे माशाल्लाह साईं एक बात बोलूं साईं, इस मेंशन के अंदर एक अपना साईं मज़ा है। तू चुप कर जा सादिक, तू हर बार यही कहना है यार। बॉयज आ जा साईं, आ रहा हूँ साईं। बॉयज ये देखो, ये मैं ना एक छोटा सा और मतलब मेंशन के अंदर ही मेंशन बनवा रहा हूँ, लेकिन इसका काम अभी जारी है। बॉयज ये चेक करो, मतलब कि यहाँ पे जो है ना अभी नया रोड बन रहा है। और उसके अलावा ये सारे का सारा इसका रास्ता जो है ना, इस वाले मेंशन का रास्ता जो है ना अलग होगा। मतलब कि वो देखो तुम लोग को नजर आ रहा होगा पूरे का पूरा, मैं तुम्हें ड्रोन के साथ दिखाता हूँ, जरा रुको बॉयज, ताकि ना तुम्हें चेक करवाऊँ। ये चेक करो, मतलब अब देख रहे हो बॉयज, ये चीज चेक करो, ये आपका भाई नया मेंशन बनवा रहा है। मतलब कि पुराना मेंशन तो हमारा आगे है, लेकिन उसके पीछे एक और मेंशन बन रहा है। यानी कि भाई कंटेंट तुम लोग यहीं से सोचो कितना तबाही का आने वाला है, लेकिन अभी चीजों को कुछ जो है ना वो मैं कर रहा हूं। और बाकी सैंडी शोज हमारा कुछ बदल गया है, मतलब पहले से ज्यादा दरख्त लगवा दिए हैं, पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करवा दिए, और मस्जिद भी बन चुकी है। तुम लोग को नजर आ रहा होगा सैंडी शोज में मस्जिद बन चुकी है, वो देखो देख रहे हो। अभी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दिखाऊ, टेंशन नॉट, सारा कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसीलिए बिजी था दो तीन दिन से। ये देखो बॉयज यहां पे मैं सोच रहा हूं किसी न्यू किस्म का जो है ना वो मेंशन बनाया जाए, एक न्यू जो है ना मतलब प्यारा सा नक्शा हो। क्या क्या सादिक मस्जिद का काम हो गया साईं? मस्जिद का काम तकरीबन 50% कंप्लीट है साईं, मतलब रेडी है ना मस्जिद साईं, 50% कंप्लीट हो चुकी है, फिक्र नहीं करें माइकल साईं। चलो ये भी बेस्ट हो गया। उसके अलावा बॉयज मतलब पीछे से चेक करो मेंशन कितना खूबसूरत लग रहा है। तकी फैमिली मैं अपनी तरफ से तो 100 दे रहा हूं कि भाई मैं कंटेंट को बेहतर से बेहतर कर सकूं। बाकी तुम लोगों ने ये करना है कि भाई वीडियो को शेयर कर देना है। और इसके अलावा एक दो दिन जो है ना वो जरा व्लॉग्स व्लॉग ज्यादा आएंगे, और GTA की वीडियोज भी आएंगी नो डाउट, लेकिन एक दो दिन व्लॉग ज्यादा आएंगे, क्योंकि हम जो है ना अभी ज्यादा काम कर रहे हैं
हैं अपनी स्टूडियो के ऊपर, अपना अपडेट कर रहे हैं स्टूडियो, तो उसमें तुम्हें मैं मतलब भाई गेमिंग सेटअप की पूरा जो है ना सेटअप टूर भी दूंगा, नो टेंशन, सेटअप टूर की व्लॉग भी आएगी, बेफिक्र हो जाओ। अभी आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को मैनेज करेंगे ना, ठीक है। सादिक साई हुक्म, गाड़ियाँ निकलवा सादिक साई, जो आपका हुक्म, गाड़ी निकालनी है। अबे ऐसा कर सादिक, लैंड क्रूजर और पराडो दोनों गाड़ियां निकाल। क्या कर रहा है सादिक साई, माजरत साई, सॉरी साई, जल्दी कर जल्दी सादिक, टाइम नहीं है साई, जो आपका हुक्म। एक तो बाबा साई, एक तो जल्दी बोर्ड डल जाती है। बाबा तुम्हें बोला था यहाँ पे सारा जो है ना झाड़ू झाड़ू लगाओ, बाबा तुम यहाँ पे खड़े होके मूवी देख रहे हो। अरे मैं बस सादिक भाई काम कर रहा हूँ। तुम बाबा किस चीज का काम कर रहे हो बाबा, तुम्हें बोला है यहाँ पे सारा झाड़ू लगाओ, तुम वेले बैठे हो। अरे पैसे लगा रहा हूँ। हाँ जी ऐ जी हुक्म करें जी भाई। हाँ सादिक भाई बोले। हाँ जी बाबा साई साई कह रहे हैं गाड़ियाँ झाड़ियाँ निकलवाओ, तो मैं पराडो और जो है ना वो लैंड क्रूजर निकाल रहा हूँ बाबा, गार्ड्स को रेडी करो। ऐ जी जो आपका हुक्म। ठीक है भाई बस जबरदस्त, मैं अभी गार्ड्स को रेडी करता हूँ। बात बताऊँ साई का जो है ना ये वाला मेंशन मुझे बाबा सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, मतलब देखो ना एक पूरा जो है ना फार्म हाउस का बाबा एक फील आता है। चलो अभी फिलहाल गाड़ी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि एसी जो है ना वो ठंडा हो जाएगा बाबा। चलो जरा स्टार्ट तो हो चुकी है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा यकीन करो जो मज़ा लैंड क्रूजर का है ना बाबा, किसी गाड़ी का मज़ा नहीं है, ऐसा कौन वाली गाड़ी है बाबा। बैठ के बाबा बंदे को लगता है कोई कोई पता नहीं जहाज में बैठ गया। बाकी तुम मेंशन चेक करो, साईं का जो ये मेंशन है ना ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है बाबा। करनी है यकीन करो तकी फैमिली, मतलब कि मैं कंटेंट को इतना बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लेकिन इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। और इसके अलावा मैंने तुम्हें ये बताना था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको भी जाके फॉलो कर लो, कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाला है। तुम लोग सब कहते हो ना कि तकी भाई आप वीडियो कैसे बनाते हो, आप मूड्स कैसे बनाते हो, ये सब जो है ना मैं भाई अपलोड करता हूँ अपने दूसरे चैनल के ऊपर, वहाँ पे BTS वीडियो भी होती है, वहाँ पे सब कुछ होता है, वहाँ जाके एक दफा सब्सक्राइब कर लो, फॉलो भी कर लो, ताकि भाई तुम्हें हर अपडेट मिलती रहे। और दूसरा बॉयज मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ये सोच रहा हूं कि ये वाला जो हमने गैराज बनाया ना इसके नीचे की जो टाइल है ना सारी ये मैं चेंज कर दूं। फिलहाल ब्लैक टाइल लगी हुई है और मैं सोच रहा हूं कि इसको जो है ना चेंज करके कोई और किस्म की टाइल लगा दी जाए। बाकी यार और यहां पे स्विमिंग पूल की भी कमी है यार, स्विमिंग पूल भी बनाना है। चलो 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 जल्दी करो भाई, ये क्या कर रहा है, ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ, जल्दी कर गाड़ी में बैठ। जी सर जवाब का हुक्म। सादिक एसी चलाया है साई, एसी रेडी है गाड़ी का, जबरदस्त यार। लैंड क्रूजर का एसी तो जल्दी चला दिया कर साई, एसी मैंने 5 मिनट पहले चलाया हुआ है, जबरदस्त वेरी गुड। बाकी चेक करो यार, मतलब वॉइस तुम लोग खुद जरा कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम लोगों को मेरा ये वाला फार्म हाउस अच्छा लगे। इसमें लाजमी बताना है कि तुम्हें ये मेरा मेंशन कैसा लगा, तुम लोग चेक करो यार, मतलब इस मेंशन की खूबसूरती देखो, मतलब कि फुल डाउन टू अर्थ है और मतलब ऊपर यहाँ पे पार्किंग वगैरह सारी, और यहाँ से बाहर अगर तुम लोग देखो तो ये मैंने सारा ग्रास वगैरह लगवाया है, ताकि भाई यहाँ पे एक पार्क बनवाया छोटा सा, ताकि सैंडी शोज के लोग आके यहाँ पे बैठ सकें, चाय पानी पी सकें और थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकें। सादिक जल्दी कर गाड़ी निकाल साई, जो आपका हुक्म, निकाल जल्दी कर साई, बैठे साई बैठे, दरवाजे खोल दिया कर जल्दी साई, जो आपका हुक्म। चल हाजी बैठ गया। जी बॉस मैं बैठ गया हूँ। चलो बस जबरदस्त सादिक, चल यार साईं जो आपका हुक्म। साईं बस सीधे कहाँ जाना है, अभी सीधे मस्जिद जाना है, जरा मुझे मस्जिद दिखा कैसी बनवाई है। जी साईं एक सारे दरवाजे खुलवा दे साईं, सारे दरवाजे खुलवा दिए साईं मेंशन के। साईं आपको पता है माइकल साईं आ रहे हैं और दरवाजे बंद हो साईं पॉसिबल ही नहीं है। ये चीजें मुझे पसंद है, जबरदस्त सादिक इस फार्म हाउस को मुझे ना, मतलब इस फार्म हाउस की मुझे खूबसूरती अच्छी लगी है। सादिक यही वाला फार्म हाउस अपना जो है ना परमानेंट रहेगा। साईं जो आपका हुक्म साईं, जबरदस्त सही है ना साईं, बेहतरीन सादिक बेहतरीन। वॉइस चेक करो जरा एक दफा पूरा, मतलब ना ये तुम्हें मैं रात में विजिट करवाऊंगा। सादिक अभी तो सबसे पहले मस्जिद दिखा मुझे, मस्जिद कहाँ बनवाई है। साईं जो आपका हुक्म। सादिक अच्छा रुक जरा। जी साईं यार ये बता मुझे जरा कि ये वाला इस तरफ की एंट्रेंस सही नहीं है साईं, इस तरफ की एंट्रेंस के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि साईं फिलहाल जो है ना इस तरफ की एंट्रेंस के ऊपर तवज्जा नहीं दी। सादिक तवज्जा दो ना इस तरफ की एंट्रेंस पे साईं, जो आपका हुक्म। और ये वाली साइड जो नई बनवाई है साईं, ये सारी की सारी नई बनवाई है। चलो ये भी सही है, फिलहाल तो ओके है। बॉयज चेक करो सामने, ये देखो क्या ये वही सैंडी शोज है बॉयज, मतलब देख रहे हो कितना बदल चुका है। मस्जिद चेक करो सबसे पहले बॉयज, और उसके बाद ये वाली भी एक मस्जिद है ठीक है, और उसके अलावा बॉयज ये चेक करो,
मतलब कि ये देखो, ये हमने मस्जिद बनवाई है, अभी मैं तुम्हें इसका भी सारा टूर देता हूँ। और उसके अलावा बॉयज अभी यहाँ पे जो है ना, ये चेक करो, यहाँ पे मार्केट्स भी बन रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता पूरे सैंडी शोज को आपका भाई बदल रहा है। और हाँ बॉयज, ये चेक करो, तुम्हें एक और चीज दिखाऊं, ये तुम लोग देख रहे हो सामने बॉयज, ये यहाँ पे एक पुराना होटल होता था जिसको मैंने चेंज करवा के यहाँ पे नया होटल बनवा दिया, वो भी लग्जरी किस्म का, ताकि बॉयज पूरे सैंडी शोज में नया होटल लोगों को नजर आए और पता चले कि सैंडी शोज अब पुराना सैंडी शोज नहीं है। चेक करो, मतलब यहां से तुम लोग देखो और तुम लोग बताओ कि क्या ये वही सैंडी शोज तुम लोगों को लग रहा है। आखिर नहीं होगी, और बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करवाई है मैंने सैंडी शोज के अंदर, जिसके अंदर अंदर तुम लोग को मैं दिखाता हूं। ये चेक करो, ये सारे का सारा एरिया मैंने नया बनवाया बॉयज, मतलब यहां पे ये पीछे सामने मार्केट देख रहे हो, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स नई बनी है। ये एक जो है ना छोटा सा जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं, बस स्टैंड अभी नया बना है। और उसके अलावा ये चेक करो, यहां पे तो भाई टोटली बदल चुका है, मतलब एक तो यह दरख्त इतने लग गए हैं, और उसके अलावा बॉयज ये चेक करो, मतलब यहां पे नई शॉप्स वगैरह बन चुकी हैं। जबरदस्त यार, वेरी नाइस बॉयज। सादिक, ये सारी इंप्रूवमेंट्स कब हुई हैं? साईं, ये पिछले 2 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। वेरी गुड, यहीं पे गाड़ी रोक साईं, जो आपका हुक्म। चेक करो जरा तकी फैमिली, चेक करो एक दफा के, ये देखो ये सारे का सारा सैंडी शोज ही बदल चुका है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग नई बनी है। और यहाँ पे ये देखो, मतलब के भाई ये कैफे टाइप बन गया। सादिक, ये रेस्टोरेंट नया बना है साईं? ये सारे का सारा अभी नया बना है साईं। वेरी गुड यार, जबरदस्त, बहुत अच्छा है, इम्प्रूवमेंट तो अच्छी लगी है मुझे। सही है भाई, वेरी गुड, जबरदस्त यार, सही है। यहाँ पे सादिक अच्छा सा जो है ना अभी कैफे रेस्टोरेंट बनवाओ, ठीक है, सैंडी शोज को पूरा शहर बना दो साईं, जो आपका हुक्म, आप टेंशन नहीं ले माइकल साईं, ये साईं सारे का सारा बदल जाएगा। चलो बैठो गाड़ियों में, जल्दी करो, आऊंगा साईं, जो आपका हुक्म। माइकल बोस, आप ना चलाएं, मैं चलाता हूँ। अबे नहीं नहीं, मैं खुद चलाऊंगा हाजी। बैठ सादिक, चलें साईं, चलें जी साईं, चलें बस। अच्छा साईं, अब हुक्म करें, अब कहाँ जाना है यार? अभी फिलहाल जो है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक और जगह पे जाना है साईं, हुक्म करें, अब कहाँ जाना है यार? अभी ज़मीनों पे भी जाना है, ठीक है, और उसके अलावा ज़रा पता करवा कि टोमी कहाँ पे है साईं। टोमी का कोई पता नहीं चल रहा साईं, इतना पता करवाया है, यकीन करें। मस्जिद तो दिखा मुझे साईं, मस्जिद दिखाता हूँ साईं, ये देखें साईं पीछे मस्जिद, ज़बरदस्त यार, मतलब अब जुमा यहीं पर पढ़ना आया करना है, ठीक है साईं, जैसे आपका हुक्म माइकल साईं, जो आप हुक्म करें। चेक करो बॉयज, मतलब यार तुम लोग देखो सही, मस्जिद कितनी जबरदस्त लग रही है, वेरी नाइस। सादिक, अखीर कर गए यार, जबरदस्त साईं, ठीक है ना? अभी तो साईं इस पे काम होना है काफी सारा, चलो कोई नहीं, करवा लेंगे काम भी। लग रही है यार सैंडी शोज में पहली दफा मस्जिद बनी है, और क्या बात है यार, वेरी नाइस सादिक, बेहतरीन साईं, ठीक है ना? जबरदस्त सादिक, जबरदस्त बॉयज। चेक करो, ये मस्जिद सैंडी शोज के अंदर लाइफ में पहली दफा बनी है, पहले सैंडी शोज के अंदर मस्जिद नहीं थी। सादिक, बेहतरीन साईं। अभी लेकिन सादिक, ये इस पे अभी काम होने वाला है काफी साईं, अभी ये सफाई वगैरह होनी है साईं, सारा कुछ जो है ना, अभी इस पे काम काफी पड़ा हुआ है साईं, तो यार ये काम करवाओ ना सादिक, ये कब करवाओगे? सैंडी शोज में जो है ना इंप्रूवमेंट्स करवाओ, लेकिन मस्जिद बहुत खूबसूरत लग रही है यार, वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है मस्जिद। कैसे हो तुम लोग सारे, बताओ भाई, ठीक हो? टोमी ने जो है ना वो बहुत कुछ करना है, ठीक है, तुम लोग मुझे लगता है टोमी भाई को भूल गए हो। अभी फिलहाल जो है ना, तुम लोगों को पता नहीं सवाल उठ रहे होंगे कि टोमी भाई आप किधर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। यार देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, माइकल जो है ना, माइकल के मैंने बड़े काम किए हैं, मैंने माइकल के साथ बहुत सारा काम किया है, माइकल को मैंने बहुत खिलाया भी है, बहुत बचाया भी है, और उसके बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन एट द एंड माइकल हर बंदे को जो है ना वो धोखा देता है, और अब जो है ना मेरे को अपना काम करना है, मुझे माइकल के कामों में इतना नहीं पड़ना, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं माइकल के काम कर सकूं, ठीक है। और अगर माइकल ने मेरे साथ पंगा लिया या फिर मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश की, तो तुम लोगों को पता है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा, अपुन उसकी एक सेकंड में गेम बजाता रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपुन का एक ही रूल है, अपुन को जो छेड़ेगा अपुन उसको एंड तक छेड़ेगा। बात सुन भाई, क्या सीन है? मैंने तेरे को बोला था कि मेरा जो है ना वो रेस्टोरेंट वाला काम कहाँ तक पहुँचे? टोमी भाई, सारा काम रेडी है भैया, आपके जो है ना भाईजान, आपके काम के जो है ना वो सारे रेडी हो चुके हैं। चल आओ ज़रा, दिखाओ ज़रा मुझे कौन कौन से काम जो है ना तुम लोगों ने रेडी कर लिए। अपन जो है ना भाई अपना बिजनेस करेगा अभी लॉस सैंटोस में, ठीक है, और फिलहाल जो है ना प्लेटो बे के इलाके को अपन कंट्रोल करेगा। और ये जो पर्पल कार तुम लोग देख रहे हो ना भाई लोग, ये अपन ने मंगवाई है भाई अपनी वॉइस सिटी से, ठीक है, इसकी स्टोरी फिर तुमको बताएगा अपन कभी। अच्छा मेरे को यह बता, रास्ता कहाँ से जाने का है?
टॉमी भाई वो देख रहे हो, वो रेस्टोरेंट रेडी है। अच्छा 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 और मैंने तेरे को बोला था कि वो एक एक काम आया, उसका तूने क्या किया? टॉमी भाई कौन सा काम? अबे भाई क्यों ठंडा कर रहा है यार, वसूली का काम बोला था। मैं तुम लोगों को बताता हूँ लड़कों, यहाँ से भी चलते हैं, फिलहाल रास्ता है। अरे टॉमी भाई नहीं, यहाँ से रास्ता नहीं है। अबे यार क्यों ठंडा कर रहे हो भाई? टॉमी भाई वो एक और काम आया था। कौन सा काम था? टॉमी भाई वो ये वाले घर वाला ना, ये यहाँ से खाली नहीं करता घर। तो बस इतना सा काम है, इससे अभी घर खाली करवाते हैं, यही वाला है? टॉमी भाई यही है, ये घर खाली नहीं करता इसकी ऐसी की तैसी। बॉयज देखो अब अपन बता कौन सा काम करता है, अब अपन का एक ही काम है। टॉमी भाई वो जा रहा है। अबे किधर चला जाएगा, यही वाला है ना, यही बंदा है ना, पकड़ लेंगे इसको। अपन अब एक काम करता है, अपन अब लोगों के काम करता है, यानी कि भाई अगर किसी ने जो है ना वो कोई बंदा उठवाना हो, या फिर किसी ने कोई मतलब के भाई चोरी चोरी करनी हो, अपन अब यही काम करता है। अच्छा तो यही बंदा है जी टॉमी भाई। हाँ भाई हेलो, बात सुन। ओ हेलो, अबे बात सुन भाई। अबे जा भाई इधर से जा, मैं तुझे आखिरी दफा कह रहा हूँ, बात सुन। अरे जा भाई जा यार, मेरी बात सुन ले, रुक जा यहीं पे। अरे जा भाई जा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, जब तुझे एक दफा बोला है तो तेरे को समझ नहीं आता, बता मुझे हैं, तेरे को समझ नहीं आता? रुक जा, तेरी मैं ऐसे गेम नहीं बजाऊंगा। जब मैंने तुझे एक दफा बोला है कि भाई दरवाजा खोल गाड़ी का। जी टॉमी भाई। खोल 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 दरवाजा, खोल गाड़ी का। टॉमी भाई ये दरवाजा अंदर फेंके इसको। एक दफा बोला है कि नहीं उठने का तो तू क्यों उठा? और तेरे को बड़ी डेढ़ शानी आ रही है, बकवास करता है। क्या मसला है आपको? ये घर खाली कर दे, तेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। अगर तूने एक दिन के अंदर अंदर इस घर को खाली नहीं ना किया तो बेटा तेरी ऐसी गेम बजाऊंगा, याद रखेगा। मैं खाली नहीं करूंगा। तू बेटा तेरा तू तेरा बाप भी करेगा, करता है खाली नहीं करता? अच्छा ठीक है कर दूंगा। हाँ देखा ना टॉमी भाई, आपने तो 2 मिनट में काम करवा लिया। अबे ऐसे ही काम होता है, तुम लोगों को बोला है कि अब जो है ना वॉइस सिटी वाला धंधा दोबारा यहीं पे शुरू करना है। टॉमी भाई ठीक है, जो आपका हुक्म। देखो बॉयज, अब मैंने बोला यहाँ क्या किया करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अपन यहाँ पे एक करेगा सादा सा बिजनेस, ठीक है, ताकि भाई यहाँ के लोग जो है ना वो अपन को छेड़े ना और अपन की इज्जत करें, ठीक है। इसके साथ साथ अपन यहाँ पे एक और काम करेगा, जिस काम को जो है ना भाई वो तुम लोग समझते हो, मतलब कि भाई यहाँ पे अपन मुख्तलिफ मुख्तलिफ गाड़ियाँ चोरी करेगा, ठीक है, और वो गाड़ियाँ चोरी करके अपन उन गाड़ियों को बेचेगा और फिर उससे पैसा कमाएगा। मतलब कि अब अपन किसी के लिए काम नहीं करेगा, अब मैं यहाँ पे अपना खुद का जो है ना वो कारोबार करूंगा और भाई अपुन यहाँ पे सबकी गेम बजाएगा और एक दिन आएगा अपुन जो है ना भाई पूरे लॉस सैंटोस पे कब्जा करेगा। वैसे मुझे ये बताओ, फिलहाल तुम लोगों ने पता करवाया कि सबसे ज्यादा गाड़ियाँ किस एरिया में जो है ना वो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, जहाँ से अपुन जाके चोरी कर सके? टॉमी भाई अभी हमने जहाँ तक पता करवाया है ना, सबसे ज्यादा अच्छी गाड़ियाँ सैंडी शोज में है। अब सैंडी शोज में फिर माइकल का कुत्ती जी का वही है यार, वो फिर वहीं पे जो है ना 2 नंबर काम करेंगे तो वो फिर बोलेगा, उसको जो है ना अपन उससे पंगा लेना नहीं चाहता। टॉमी भाई आपके लिए क्या मुश्किल है? अबे मुश्किल तो मेरे लिए कुछ नहीं है, डरता थोड़ी ना हूँ मैं माइकल से, लेकिन बस ये बात है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके पंगों में मैं पड़ूं। अगर माइकल मुझसे पंगा लेगा तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, मैं जो है ना उसके दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं हूँ, मैंने उसको खा जाना है। टॉमी भाई यहाँ से गाड़ी नहीं उतरेगी। अबे उतर जाएगी, एक तो तू डरना बंद कर भाई। टॉमी भाई दे रहे ध्यान से। अबे कुछ नहीं होता भाई, जी वैगन है, जी वैगन है। टॉमी भाई ठीक है। अच्छा तुम लोग जो है ना ध्यान दो जरा आजकल इधर इर्द उर्द ना गाड़ियों शाड़ियों पे, जो कोई अच्छी गाड़ियां तुम लोगों को मिल रही हैं मुझे दिखाओ, ताकि हम उन गाड़ियों को चोरी करने वाले बने। ठीक है टॉमी भाई, जो आपका हुक्म। ये रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है ना अपना, बस ठीक है, सारों को इसी पे लगा के रखो, ताकि आवाम को यही लगे कि मैं सिर्फ एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। देखो भाई अब मैंने ये सोचा है कि लोगों को यही लगेगा कि मैं सिर्फ एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, लेकिन दर हकीकत मैं फिलहाल गाड़ियों का बिजनेस करूँगा, गाड़ियाँ चोरी करूँगा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। फिर माइकल की कॉल आ रही है। हेलो। हाँ भाई सलाम अलैकुम। टॉमी किधर है यार? टॉमी कोई मतलब तेरा आता पता ही नहीं है यार, मेरे से मिलने आ जरा, मुझे ज़रूरी बात करनी है। यार देखो भाई मैं मिलने आ जाऊंगा, लेकिन मैं अभी वेला नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं फ्री होऊंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा। तुम्हें अगर जल्दी मुझसे मिलना है तो भाई माइकल तुम मेरे पास यहाँ पे आ सकते हो, प्लेटो बे में आओ, मैं अपना रेस्टोरेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे आओ मुझसे मिलो, कोई काम है तो बताओ।
अरे यार टोमी, मैंने तुझे बोला है कि तू मुझसे मिलने आया, यार अजीब बंदा है तू। मेरी बात को तू कह रहा है मैं, यार मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूँ, ठीक है? ज़्यादा जो अगर ज़रूरत की काम है तो मेरे पास आ जाओ। फजूल बंदा है यार, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग पता करवाओ कि आज रात जो है ना कोई अच्छी गाड़ी ढूंढो, ताकि भाई काम शाम करें, और कोई अच्छी सी गाड़ी ढूंढो ताकि उनको चोरी करने की कोशिश कर सकें। ठीक है टोमी भाई, जो आपका हुक्म। यार मतलब हद है साईं, क्या हुआ साईं? अबे यार टोमी ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। साईं मतलब? हाजी जी सर, हुक्म करें। हाजी ज़रा पता करवा कि ये टोमी क्या कर रहा है, और प्लेटो बे में ये है, तुझे पता है? उसने मुझे अभी बताया कि वो प्लेटो बे में एक रेस्टोरेंट बना रहा है, तो वहीं पर वो होता है। माइकल भाई आप टेंशन नहीं लें, आज रात ही मैं पता करवाता हूँ कि टोमी प्लेटो बे में क्या कर रहा है। पता करवा ज़रा, और उसके बाद मैं इसका देख, बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी करो, गाड़ियों में बैठो। साईं जो आपका हुक्म साईं, मैं गाड़ी चलाता हूँ। नहीं मैं खुद चलाऊंगा, तू बैठ। साईं साईं ये टोमी जो है ना, मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना साईं बगावत पे उतर रहा है। साईं इसकी ऐसी की तैसी मैं ऐसी करूंगा, याद रखेगा। साईं मुझे तो खुद हैरानी हो रही है, मतलब आपके साथ धोखा करने का सोच भी कैसे सकता है। ये भूल गया टोमी, मतलब कि यार मुझे तो हैरानी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद जाके इससे मिलना पड़ेगा। लेकिन माइकल साईं आप खुद इससे जाके मिलें, ये चीज़ अच्छी तो नहीं है साईं। अजीब है यार, मतलब मेरी तो समझ से बाहर है, टोमी जैसा बंदा क्यों ऐसा कर रहा है, समझ से बाहर है यार। ड्राइवर से बात करते हैं फिलहाल ना। ऐसा करो गाड़ियाँ अंदर लगाओ। साईं जो आपका हुक्म, ये प्राडो को बाहर ही रहने दे। साईं जैसे आपका हुक्म। चलो यार फिलहाल अभी जो है ना बॉयज़, यार आज का दिन जो है ना वो काफ़ी बिजी रहा है, और अभी ज़रा यहीं पे गाड़ी लगाता हूँ। और भाई ये टोमी का मुझे समझ नहीं आ रहा। सादिक गाड़ी को सीधा करके लगा। साईं जो आपका हुक्म। यार भाई अजीब है यार, मतलब ट्रेवर से बात करते हैं। ट्रेवर? हाँ माइकल, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ट्रेवर मुझे समझ नहीं आ रही, टोमी की आवाज़ चेंज लग रही थी। टोमी क्या कर रहा है आजकल, कुछ आइडिया है? माइकल फिलहाल तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कोई काम तो कर ला रहा है, मतलब किसी काम में पड़ा हुआ है टोमी। यार मैं भी वही कह रहा हूँ, ये किसी ना किसी पंगे में तो है, तो इसीलिए हमें जो है ना इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। माइकल कोई नहीं, नज़र रख लेते हैं, पता करवाते हैं ये क्या कर रहे हैं दरअसल। तो बॉयज आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं तुमसे कल की वीडियो में। तकी फैमिली, वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट लाजमी, बाकी अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल तकी फैमिली।